हाय एवरीवन, मैं हूँ शालू एंड वेलकम टू माय चैनल सालूस किचन एंड लाइफस्टाइल। तो जैसा कि सर्दियों का मौसम चल रहा है तो हर घर में गाजर का हलवा बनता ही है, तो मैंने भी बनाया है आज गाजर का हलवा। और ये हलवा मैंने बिल्कुल ही कम समय में और एकदम आसान तरीके से बनाया, तो सोचा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो चलिए आज मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी और आप को ये मेरी रेसिपी कैसी लगी इससे ज़रूर बताइएगा। तो आज की रेसिपी वीडियो मैं स्टार्ट करती हूँ। और हाँ, इसे अगर आपको ये रेसिपी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है गाजर, ये करीबन 1 किलो के करीब गाजर है। इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम सारे गाजर के आगे और पीछे के हिस्से को अच्छे से कट कर लेंगे। यहाँ पर मैं सारे गाजर को एक एक करके कट कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने सारा कट कर लिया है, तो अब इसको हम लोग छील लेंगे। आपको इसके ऊपर के परत को हटा लेना है। अब एक एक करके मैं सारे गाजर को छील लेती हूँ। यहाँ पर मैंने गाजर के सारे छिलके को उतार लिया है, तो अब चलते हैं कट करने के प्रोसेस में। तो यहाँ पर मैंने गाजर को लिया है, अब इसका मैं छोटा छोटा टुकड़ा करूँगी। आपको ध्यान रखना है कि गाजर कैसे भी शेप में कटा हो, बट इसके टुकड़े जो वो छोटे होने चाहिए। मैंने आप लोगों के साथ पहले भी गाजर का हलवा की रेसिपी शेयर किया है, उसमें मैंने गाजर के हलवे को घिसकर बनाया था, तो मैं यहाँ पर आपको दूसरे तरीके से बनाकर दिखाऊंगी। इसे बनाने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हमेशा मम्मी के पास ज़्यादा समय नहीं होता है, तो अगर आपके पास कम समय है तो आप इस तरीके से गाजर का हलवा बना सकते हैं। इसी तरीके से सारे गाजर को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो यहाँ पर सारे गाजर को मैंने कट कर लिया है, तो अब एक कुकर लेंगे और इस गाजर को उसमें डालेंगे। अब इसमें मिल्क ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने पहले से ही मिल्क को अच्छे से बॉईल करके रखा था, अब मैं इसको इसमें ऐड कर रही हूँ। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब कुकर को बंद करने के लिए इसे सीटी लगने के लिए गैस पे रखेंगे। आपको यहाँ पर गैस के फ्लेम को मीडियम में रखकर कम से कम 7 से 8 सीटी इसमें आने देना है। यहाँ पे सीटी लगना स्टार्ट हो गया है। सात से आठ सीटी लगने के बाद आप इसे गैस को ऑफ कर देंगे और उसके बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसे खोलेंगे। अब इसे चेक कर लेंगे कि ये अच्छे से बॉईल हुआ है कि नहीं, तो एक कलछन के मदद से इसे हम लोग चेक करेंगे। इसे अब अपने हाथों से तोड़कर देखेंगे कि ये अच्छे से बॉईल हुआ है कि नहीं। तो ये बॉईल हो चुका है। अब हम इस कलछन की मदद से ही सारे गाजर को इसमें स्मैश कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे गाजर को स्मैश कर लिया है, ये बहुत ही इजीली स्मैश हो जाता है। अगर आपके पास स्मैशर है तो और भी ज़्यादा इजीली हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सारे गाजर कितने अच्छे से स्मैश हो चुके हैं। तो चलिए अब इसे बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। तो गैस ऑन कर एक कढ़ाई रखेंगे और उसमें हम लोग घी डालेंगे। यहाँ पर मैं लगभग
दो चम्मच इसमें घी डाल रही हूँ। ये घी भी मैंने घर पे बनाया है, ये घर पे बना घी है और मैंने घी कैसे बनाते हैं इसका वीडियो भी पोस्ट किया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो उसे देख सकते हैं। वो भी मैंने बहुत ही इजी तरीके से बनाना बताया है। तो यहाँ पर मैं इलायची पाउडर डाल रही हूँ। अब हम इसमें स्मैश किया हुआ गाजर डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर सारा गाजर डाल दिया है। अब इसे हमें लगभग 15 से 20 मिनट तक गैस के फ्लेम को मीडियम या उससे भी कम में रखकर हमें इसे गैस में चलाते रहना है और जब तक दूध सूख नहीं जाता तब तक इसे इसी तरीके से पकाते रहना है। यहाँ पर दूध में उबाल आना शुरू हो गया है। अगर आपकी दूध की क्वांटिटी अगर ज़्यादा है तो आप गैस को हाई फ्लेम में भी कर सकते हैं। पर आपको हाई फ्लेम में इसे पूरा नहीं पकाना है, आप बीच बीच में हाई फ्लेम में कर सकते हैं, उसके बाद आप इसे मीडियम फ्लेम में कर देते। यहाँ पे दूध सूख चुका है तो यहाँ पर गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे और हम लोग इसे धीरे धीरे इसे हम लोग भूनेंगे। इसे हम लोगों को चलाते रहना है, अगर नहीं हम लोग इसे नहीं चलाएंगे तो फिर ये नीचे से चिपक सकती है। अब देखिए दूध बिल्कुल भी सूख चुका है तो आप गैस के फ्लेम को हम लोग सिम में कर देंगे। सिम में करके हम लोग इसे धीरे धीरे तक इसी तरह से भूनेंगे। तो गाजर अच्छे से भुना गया है तो अब हम लोग इसमें डालेंगे चीनी। अब इसे हम लोग अच्छे से मिक्स कर देंगे। चीनी जब पिघलना स्टार्ट होगी तो फिर ये गीली हो जाएगी। तो यहाँ पर जब आप चीनी पिघलना स्टार्ट हो जाएगी तो आप फ्लेम को फिर मीडियम में कर सकते हैं और फिर हम लोग इसे धीरे धीरे भूनेंगे। तो यहाँ पर ये अच्छे से फ्राई हो चुका है और लगभग ये तैयार है तो अब हम लोग इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पर मैंने लिया है किशमिश, काजू और चौड़ा जिसे ड्राई डेट्स कहते हैं, इसे हम लोगों ने कट कर लिया है। अब मैं इसको इसमें डाल दूँगी। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा गाजर का हलवा बनकर तैयार है। तो है ना कितना आसान तरीका गाजर का हलवा बनाने का। इसमें ना तो आपको घिसने का टेंशन है और ना ज़्यादा आपको टाइम लगता है। तो गाजर का हलवा बनकर रेडी है। तो अब इसे हम लोग सर्व करने के प्रोसेस में चलेंगे। देखिए कितनी अच्छे से ये फ्राई हो चुका है। तो चलिए अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। तो ये रहा गाजर का हलवा।
तो ये थे आज की मेरी रेसिपी वीडियो। आई होप आपको ये पसंद आए। अगर आपको पसंद आए तो आपको लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप लोग सब्सक्राइब चल कर चुके हैं तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो मैं मिलती हूँ आपको फिर एक नए वीडियो के साथ। और हाँ, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है shalukumar715। वहाँ पर मैं अपने वीडियो शेयर करती हूँ, रील्स डालती हूँ, तो आप लोग हमें वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। और आपको ये आज की रेसिपी कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।